सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि राइट नाउ मैंने आपको जो भी एनर्जीज बताई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिहेव करना है, आपको अपना कंसर्न रखना है, अपना ध्यान रखना है। 88 पोर्टल तक आपको बिल्कुल यही ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आज आपके लिए एनर्जी लेके आई हूँ डीएम साइड की, कि डिवाइन मैस्कुलिन साइड में क्या चल रहा है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन अब भी राइट नाउ पूरी तरह से चेजिंग एनर्जी में है। आपको बहुत बहुत सबको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत गंदे वाला सीन है। गंदे वाला मतलब गंदे वाला, ठीक है ना? तो आपको मैं कहती हूँ, अगर आपको थर्ड पार्टी को लेके कोई भी वरी कभी थी तो आप भूल ही जाओ। हर इल्यूजन ही हट गया है डीएम का। डिवाइन मैस्कुलिन इतना बिट्रेड फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि वो अब इस पर्सन को क्या समझें, क्या समझा था और अब क्या समझें। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन को लेके, अगर आपको थर्ड पार्टी को लेके किसी भी तरह का कोई इनसिक्योरिटी था तो अब भूल जाओ पूरी तरह से। और जिन जिन लोगों ने पिछली बार ये पूछा था कि हमें कैसे रहना है, तो आपको अपने स्ट्रांग वर्जन में ही रहना है। बिल्कुल आपको अपने स्ट्रांग वर्जन में रहना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनने की, अपने डीएम का ज़्यादा ज़्यादा कंसर्न करने की। अगर आप चाहते हैं कि वो अवेकन हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए किसी भी तरह का कोई कंसर्न रखने की, बिकॉज दिस टाइम डीएम इज़ कंसर्न, मोर कंसर्न फॉर यू, बिकॉज उनको ये चीज़ पता लग रही है कि उन्होंने क्या खोया है। और उनको अगर ये रियलाइजेशन हो रहा है तो अच्छे से होने दो ना। क्यों आपको जा जाके ये देखना है, चेक करना है, या फिर उनके लिए किसी भी तरह का दुख फील करना है, बुरा फील करना है? देखिए, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है तो आपका डीएम भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड ही है। तो हो ही नहीं सकता कि उसके साथ कुछ भी इधर उधर हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप वाई नॉट, आप बिल्कुल फ्री रहें, आप बिल्कुल फ्री रहिए। ठीक है ना? तो डीएम एनर्जी के लिए आपको तो डिवाइन फेमिनाइन वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं खास तौर से कहूँगी, 88 पोर्टल तक किसी भी तरह की चेजिंग मत दिखाइएगा, किसी भी तरह का पीछे मत जाइएगा, बिकॉज डीएम ऑलरेडी चेजिंग एनर्जी में है। बहुत बुरी तरह से आपकी एनर्जी लैक कर रहा है डीएम, और अगर आपने चेजिंग दिखा दिया, आप चेजिंग में गए, तो डीएम विल रन अवे। आपकी एनर्जी मिल जाएगी सर्टेनली, एंड डीएम एनर्जी विल रन अवे। तो आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर आपको हर जगह पर स्टॉक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन अप्रोच भी कर रहे हैं, और बहुत सारों के जिनका यूनियन करीब है उनके डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो उनको ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर दो कि वो निकल लें, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उल्टा, आपको और ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड होना है। ये बात सुनकर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी, कोई बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर वक्त अब यही सोचते रहें कि अरे हाँ ये चीज़, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। आपको कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। जो होना है सरेंडर में रहिए, जो होना है टाइम आने पर हो ही जाएगा। आपका डीएम खुद आके आपको कमिटमेंट देगा। होपफुली कुछ ही दिनों में मैं आपको एक दो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाऊंगी, जहाँ पे एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन जो है कमिटमेंट में गए हैं, और उन्होंने कमिटमेंट की तरफ कदम बढ़ाया है, और वहाँ पर मैरिजेस फिक्स होने जैसा लग रहा है मुझे सीन। ठीक है, बताऊँगी आप लोगों को आगे चल के, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया तो। बट यहाँ पे भी डिवाइन मैस्कुलिन वही है, एनर्जी क्रेव करता हुआ आ रहा है, और जब नहीं मिल रही है तो फिर वो बहुत ज़्यादा थॉट में जा रहा है, थिंकिंग में जा रहा है। इसीलिए आप इतनी मिसिंग एनर्जी, आप इतनी गंदी एनर्जी कैच कर रहे हो, इतनी सैडनेस वाली, इतनी पेनफुल एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की कैच कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन टोटली गिल्ट में है, टोटली कन्फ्यूजन में है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, और आपकी तरफ देख रहे हैं इंस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सो उनकी इंस्पिरेशन बनिए, ब्लाइंडली उनको फॉलो मत करिए, उनके इंस्पिरेशन बनिए, उनका सहारा मत बनिए। ठीक है ना? सहारा बनने में और दिशा दिखाने में बहुत फर्क होता है।
आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना सकते, फिर यूनिवर्स आपसे नाराज होते हैं। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ये पूछ रही हैं आके कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, तो क्या वो कांटेक्ट करें? मैं क्लियरली कहूँगी नहीं, नहीं करिए, अदरवाइज आपका डिवाइन मैस्कुलिन विल रन अवे, भाग जाएगा। ओके और बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस करो। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था, आज वाले वीडियो में भी कह रही हूँ, हर वीडियो में कह रही हूँ, आपकी फेमिनाइन एनर्जी उभर के आ रही है, उसको आने दो, उसको पैम्पर करो, उसको नर्चर करो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आप समझदार हो ही। यही मुझे आप लोगों को बताना था कि आपका डीएम बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में है, तो आप टोटली बैलेंस्ड एनर्जी में रहो। और 8-8 पोर्टल तक तो अपना, क्योंकि असर चालू हो चुका है, तो 8-8 पोर्टल तक अपना बैलेंस आपको हर हाल में बना के रखना है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए। आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है अपना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अलाउ करेंगे, आप लोग दीजिएगा अपने नेम, जो लोग चाहते हैं मैं अपने वीडियो में उनका नाम लूँ, उनको अलग से थैंक्स बोलूँ, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। बिकॉज़ कुछ लोग बहुत रेगुलरली कमेंट आते हैं और बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं ज़रूर उनको, जिसको कहा जाता है, शाउट आउट दूंगी, ठीक है? लेकिन ये मैं थोड़ा सा खुद से इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं पता, कुछ लोग नहीं चाहते हैं ना शायद, तो वो नाम लिया जाना, तो इसलिए ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहेंगे मैं ज़रूर से वीडियो के बीच में आपको थैंक यू बोलूँगी, आपका नाम लूँगी, और मुझे बड़ी खुशी होगी ये करने में। तो आप ज़रूर से मुझे लेट मी नो कि कौन कौन चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूँ, ठीक है? उनको पर्सनली थैंक यू करूँ वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, आप भी बहुत खुश होइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।